subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हाय, मैं हूं तुषाबा सैयद और आप लोग देख रहे हैं पॉप बॉलीवुड। आज हमारे साथ है सोनी टीवी के नेक्स्ट बड़े शो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्या के चाणक्य के साथ। चलिए जानते हैं उन्हीं से उनके नेक्स्ट बड़े शो के बारे में। हाय, वेलकम ऑन पॉप बॉलीवुड। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शो के बारे में बताइए, क्या शो है, कैसा कैसे किस तरह से आया है ये जो सोनी देखने वाले हमारे दर्शक हैं और जो सोनी नहीं देखते हैं देखना शुरू कर दीजिए। इनकी मार्फत मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप लोगों को पता होगा पहले एक शो था पोरस, पोरस का आचार्य भी चाणक्य को दिखाया गया है और हम अब ये कहना चाहते हैं कि पोरस की जो सोच है अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया की, पोरस उसके साथ में मर गया है बट वो सोच जिंदा है और वही सोच चाणक्य के अंदर जिंदा है और चाणक्य कोशिश कर रहे हैं कि भारत अनडिवाइडेड रहे। तो जो भारत का सबसे बड़ा रूलर है मगध नरेश यानी धनानंद, तो ही गोज़ टू हिम और उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चीज़ का इनिशिएटिव लीजिए। तो वो इस पे बहुत इंसल्ट करता है उनकी, तो वो इतनी इंसल्ट करता है, ये जो आप शिखा देख रहे हैं ये शिखा बेसिकली ब्राह्मणों की बुद्धि का एक प्रतीक होती है उनका, इट्स अ सिंबल ऑफ देयर इंटेलिजेंस। तो वो इस शिखा को पकड़ के उन्हें घसीटता पूरे दरबार में। तो वो बोलते हैं कि मैं इस शिखा को आज से खोल रहा हूँ और जिस ज़मीन में तूने घसीटा है उसी ज़मीन की कसम खाता हूँ, इसी ज़मीन में से एक आदमी को राजा बनाऊँगा और तेरे थ्रोन पे बिठाऊँगा। सो ये एक्चुअली में हम सब लोगों ने स्कूल में भी पढ़ी कहानी, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसे जितनी बार सुनो देखो परफॉर्म करो हर बार मज़ेदार लगता है। आपको किस तरह से ये रोल ऑफर हुआ और आपका क्या पहले सोच था ये रोल जब आपके पास आया? ये रोल मुझे ऑफ़र किया मिस्टर सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने और भगवान उनको लंबी उम्र दे, जुग जुग जियो मिस्टर सिद्धार्थ तिवारी, जो आपको मैं सूझा इस रोल के लिए। और मैंने एक सेकंड के लिए भी मना नहीं किया, एक सेकंड के लिए सोचा भी नहीं, बिकॉज़ ये मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है राइट फ्रॉम द टाइम आई वाज अ चाइल्ड। तो अभी चाणक्य करने को मिल रहा है तो आई एम ऑन द मून। ऐसी कोई एक क्वालिटी जो चाणक्य के अंदर है और आप अपने अंदर भी समझते हैं आपके पास? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, चाणक्य बहुत बड़े आदमी थे। मैं ये कहता हूँ इंडिया में दो ही लोग सबसे फेमस हैं, एक महात्मा गांधी और एक चाणक्य। तो इन लोगों के साथ में खुद को कंपेयर करना थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी, थोड़ा गलत होगा। मैं इस लायक नहीं कि उनके साथ में खुद को कंपेयर कर सकूँ। तो कंपेयर नहीं, लेकिन आपने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर किया है इस रोल के लिए, दिख रहा है आप बहुत ही अच्छी तरह से चाणक्य दिख रहे हैं। किस तरह से आपका प्रिपरेशन हुआ है, कितनी मेहनत लगी है इस रोल के पीछे आपकी? ये रोल मुझे मेरे कहना चाहिए माता पिता के आशीर्वाद से मिला है, वो बहुत साल से नहीं है इस दुनिया में दोनों। तो मैं बचपन से ही इस रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि रोल मुझे ऑफर होगा, तो ये रोल ऐसे मिला मुझे। तो चंद्रगुप्त का चाणक्य का क्या रोल है चंद्रगुप्त मौर्य में सीरियल में और किस तरह की से वो चंद्रगुप्त और चाणक्य का रिश्ता है हमें बताइए। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है। अब वो गुरु माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, और गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। गुरु आपको कुछ भी बना सकता है और अच्छा गुरु ना मिले तो, कहते हैं गुरु मिल जाए तो भगवान मिल जाता है और गुरु ना मिले तो इंसान बार बार जन्म लेता रहता है। तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वो गुरु चाणक्य थे। तो ये भूमिका जो है चाणक्य की, ये यही चंद्रगुप्त के जीवन में भी चाणक्य यही भूमिका निभा रहे हैं। आपका ऑफ स्क्रीन कैसा रिलेशनशिप है चंद्रगुप्त से हमारे, हमने देखा उन्हें बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है अपने काम के प्रति, तो आप बताइए आपका कैसा रिलेशनशिप है उनसे? आप लोगों को मालूम नहीं ये बात पता है कि नहीं, इससे पहले हमने स्वास्थ्य के लिए एक शो किया था कर्म फलदाता शनि, जहाँ पे मैं बना था महादेव भगवान शिव और कार्तिकेय बने थे शनि। तो शनि के गुरु भी महादेव हैं, तो हम लोगों ने 1.5 साल वहाँ भी साथ में काम किया है। तो मेरे सामने प्रैक्टिकली बड़ा हुआ है ये कार्तिक, तो इज़ लाइक अ सन टू मी। हमारा बहुत प्यार है आपस में, बहुत फेवरेट है मेरा ये। पोरस से किस तरह ये शो सीमलेसली चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ बढ़ा है, हमें थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। देखिए थॉट यही है कि एरा सेम है, अलेक्जेंडर इंडिया आया, ही ट्राई टू कॉन्कर
द रेस्ट ऑफ इंडिया उसकी फौजें उखड़ गई और पोरस ने उसको इतना ज़्यादा रेजिस्ट किया कि वो हिम्मत हार के आगे बढ़ा ही नहीं। बट पोरस की आर्मी में कुछ लोग थे जो अभी भी एम्बिशियस थे, जिनमें से एक सेल्यूकस था, वो वॉज़ वेरी एम्बिशियस, वो उसका बचपन का दोस्त था, उसका सेनापति था, तो वो इंडिया में रुका हुआ था। एंड अलेक्जेंडर न्यू, ये चाणक्य जानते थे इस चीज़ को कि जब तक ये आदमी यहाँ पर है थ्रेट ख़त्म नहीं होता है। तो पोरस की मृत्यु के बाद भी थ्रेट तो वहीं का वहीं है। एंड चाणक्य जो थे वो फ्यूचर देखना जानते थे, उन्हें पता था कि अगर ये आदमी रहेगा तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर आदमी ग्रीक हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले सब पूरी कंट्री पे कब्ज़ा करेगा, फिर सबका धर्म परिवर्तन करेगा, फिर सबको मार मार के अपनी भाषा सिखाएगा, हमारी संस्कृति सभ्यता सब लुप्त हो जाएगी। तो वो उन्हें दिख रहा था, तो वो ही थॉट के साथ में ये पूरा शो है। ओके, लास्टली आप मुझे बताइए किस तरह से ये फर्स्ट सीन चालू होता है और किस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी पोरस? मैं आपको सब कुछ बता दूँ, आप शो क्यों देखोगे फिर? देखिए, कहानी बेसिकली यही है कि ये धनानंद के पास में आते हैं, चाणक्य गुरु, और कैसे धनानंद उनके साथ में बदतमीजी करता है। वो अपने घमंड में चूर एक बहुत बलशाली राजा है, और जब आदमी बहुत ज़्यादा कई बार ही एरोगेंट हो जाते हैं, जैसे कई डिक्टेटर्स होते हैं आज के वर्ल्ड में भी हैं, तो फिर उनका अंत बहुत बुरा होता है। जैसे एक वो गद्दाफी थे, कर्नल गद्दाफी लीबिया के, वो सुना है शहर के बाहर किसी नाली में उनको पकड़ा था मिलिट्री ने और वहाँ से मारा गया था वो। तो ये सब इन लोगों के, सद्दाम हुसैन कहाँ किसी टॉयलेट में छुपा रहा था 6 महीना। सो ये जो डिक्टेटर्स होते हैं उन लोगों की अंत बहुत बुरा होता है। तो ये भी एक शिक्षा है कि आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप बता दिए आप फैंस को कि कब रिलीज़ हो रहा है, कब लॉन्च हो रहा है? ये 14 नवंबर 2018 से सोनी टीवी पे हर रोज़ सोमवार से शुक्रवार 8 बजे देखना ना भूलिएगा। तो ज़रूर देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए पॉप बॉलीवुड को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर हियर।